आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग ब्लॉग में ब्लॉग बनाए तो आज मैं ब्लॉग बनाने लगा हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो न्यूज़ रिपोर्टर नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे से फेसबुक पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और मेरे से कनेक्ट हो जाइए। और अगर और आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आज हम यहाँ जा रहे हैं। उस जगह का नाम है जो लाहौर में न्यू मेट्रो ट्रेन खुली है, हम उधर जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरे साथ दानियाल भी हैं। क्या हुआ? यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे दानियाल भी इधर है। इधर आप तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम यहाँ पे टिकट खरीदने हैं। तो ये दानियाल भी मेरे साथ मौजूद है, तो अभी हम टिकट लेकर ट्रेन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे स्टेशन में आपको भी दिखाता हूँ, मैं आपकी आपको ये स्टेशन दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। यकीनन स्टेशन तो देख ही लिया होगा आप, हम चलते हैं आगे, हम जाएंगे ऊपर। Take it here, feeling it, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hands on the wheel, driving drunk, I'm doing nothing. यहाँ पर चेकिंग हो रही है और वहाँ पे लेडीज साइड और ये सामान चेक करने की जगह है और इधर लोग टिकट लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हम यहाँ से अब टोकन देके पास हो रहे हैं। मैंने भी अपना टोकन लगा दिया और मैं पास हो गई। यहाँ पे रश बहुत है तो मैं अपना टोकन लगा के पास हो रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मैंने टोकन लगा के मैं आप कैमरा उस तरफ करता हूँ और ये देखिए मैंने कैमरा उस तरफ किया और उधर देखिए उधर ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। आप उससे और ऊपर जाना चाहते हैं और इस तरफ और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है, हम और ऊपर भी जाएंगे। वह भी हमने मैंने आपको जो सिनेमैटिक सीन दिखाए थे इस वजह से जो है वो मैं पहले वाले दिखा दी जो हुए थे। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि हम अभी एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे हैं और हम ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। तो हम ऊपर पहुंच चुके हैं और आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। लेकिन ये ट्रेन अभी वापस जाएगी और दूसरी ट्रेन यहाँ पे आएगी क्योंकि ये ट्रेन जो है दूसरी तरफ की है, क्योंकि अब हमें वापस जाना है और हम लोगों ने दूसरी ट्रेन ले ली है। तो इस वजह से ये दो ट्रेन जाएगी और अभी दूसरी ट्रेन वापस आएगी। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन जा रही है और हम इधर ही खड़े हो गए हैं क्योंकि ये ट्रेन में हम नहीं बैठेंगे। ये दूसरी ट्रेन इधर आ चुकी है और मैंने आपको इसकी दिखाई भी है। अब ये दूसरी ट्रेन आ चुकी है
हैं जो अभी ये ट्रेन और ये मैंने नीचे कहते हैं ऊपर आ गए, अब हम अंदर जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। आप लोग जो ये जलती उठती लाइटों को देख रहे हैं, ये लाइटें हमें स्टेशन का बताती हैं कि कौन सा स्टेशन कब आने वाला है। जो आप मुझे ट्रेन से उतरता हुआ देख रहे हैं, मैं अभी ट्रेन से उतर नहीं रहा, मैं सिर्फ खाली आपको ट्रेन का बाहर स्टेशन का व्यू दिखाने के लिए उतरा हूँ कि बाहर से ट्रेन किस तरह की लगती है। और ये ट्रेन स्टेशन जो है थोड़ा खूबसूरत बना हुआ है, सबसे ज़्यादा सारे स्टेशनों में खूबसूरत स्टेशन है वो अनारकली स्टेशन है, लेकिन ये वाला स्टेशन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इसके अंदर जो थोड़ी विंडोज़ जो हैं वो अच्छी है और बाहर का व्यू भी अच्छा आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए बस ये दिखाने के लिए उतरा हूँ, उसके बाद जो है दोबारा से बंद हो सकती हैं वो ट्रेन दोबारा से उसके दरवाजे बंद हो सकते हैं। बस यार मैं आपको व्यू दिखाने के लिए उतना हूँ और मैं ट्रेन के अंदर दोबारा जा रहा हूँ। दोबारा आ चुका हूँ, ट्रेन अब अंडरग्राउंड हो रही है, अनारकली स्टेशन की तरफ जा रही है। अनारकली स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर फिर मैं आपको स्टेशन भी दिखाता हूँ। अनारकली स्टेशन से मैं बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो अंडर ट्रेन जो अंडरग्राउंड होकर ऊपर बाहर की तरफ निकल गई है। और ये आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन आया हुआ था मेरी तरफ, मैं आपको उसका थोड़ा वो आगे वाला सीन नहीं दिखाता है क्योंकि मेरे कैमरे की टाइमिंग थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ब्लॉग बना लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने वो किया, और ये क्या कहते हैं अनारकली स्टेशन से मुझे आवाज़ आ रही है कि बाहर पीछे की तरफ से रेलवे स्टेशन की तरफ। अब ये दोबारा अंडरग्राउंड हो गई है ट्रेन, क्योंकि दो स्टेशन जो ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड है, और अभी इस स्टेशन के बाद जो ट्रेन अंडरग्राउंड होगी, और मैंने इसको स्किप कर दिया है अंडरग्राउंड होने वाले को। अब अंदर देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है ट्रेन के अंदर, लोग लटके लटके खड़े हुए हैं, और देख सकते हैं खुली भी है कि आप लोग थोड़ा सुन सकें कि पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और आज इतवार के दिन तो कुछ ज़्यादा ही शोर होता है, क्योंकि जो है आज कुछ लोग तफरी करने के लिए आए हुए होते हैं इधर, और हम भी तफरी के लिए आए हुए थे क्योंकि हमारा इतना काम नहीं होता ट्रेन से वाला, हमने शुरू से लेकर आखिर तक का आखिरी स्टेशन थे और आखिरी स्टेशन तक, इसके टोटल 47 स्टेशन है। और आप देखिए फिर आगे से दूसरी ट्रेन जा रही है, इस तरह की 6 ट्रेनें चलाई गई हैं, और आप देखेंगे ये ट्रेन जा रही है मेरे आगे से बहुत स्पीड में जा रही है ट्रेन। और ये मैंने आपको पहले भी लाइटों का बता दी कि लाइट अभी जो है 4-5 स्टेशन रह गए हैं, और उसके बाद ये जो येलो कलर की लाइट भी होती है, यही मतलब है कि जो है अब इसी स्टेशन के उधर जा स्टेशन के ऊपर जा रही है ट्रेन। और आप आए कभी देख सकते हैं कि अच्छा आ रहा है। Thank you.
और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप मेरे फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। अल्लाह हाफिज़।